दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए 20 इंच की ओनिडा की दोस्तों सीआरटी टीवी है, जिसको हमने लाइन दिया हुआ है। और देखिए ऑन करने पे ये आपका इस प्रकार से डिस्प्ले बन के आ रहा है दोस्तों। इसमें देखिए आपका ये कलर जो है ग्रीन पन में आ रहा है पिक्चर। इस सेट को दोस्तों हमने ओपन किया है, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, चेक करते हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, ये आपके तीन कैथोड की सप्लाई होती है, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है दोस्तों सप्लाई ये आपके बेस पे। ये देखिए आपका ये है आपकी ब्लू, जिस पर हम सप्लाई को चेक करते हैं। और ये देखिए इसमें सप्लाई आपका ये ब्लू कैथोड की सप्लाई जो है, देखिए दोस्तों ये मीटर का आपसे आपके आ रहा है 170 वोल्ट के करीब आ रहा है। इसके बाद देखिए हम दूसरी कैथोड की सप्लाई चेक करते हैं। ये देखिए ये है आपका रेड, ये देखिए रेड कैथोड की सप्लाई जो आ रही है, इस पर करीब 110 वोल्ट की आ रही है। इसके बाद दोस्तों तीसरी सप्लाई जो है वो है आपकी ग्रीन की, ये देखिए ये है आपकी ग्रीन, इसकी भी दोस्तों देखिए सप्लाई आपकी 110 वोल्ट की आ रही है। दोस्तों ये दोनों कैथोड की सप्लाई 110 वोल्ट आ रही है, रेड और ग्रीन की, और जो ब्लू की कैथोड की सप्लाई आ रही है आपकी, ये सप्लाई ये देखिए ये आपकी सप्लाई बढ़कर आ रही है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या दिक्कत दिख रहा है, देखिए इसमें आपका रेड और ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, ब्लू कलर इसमें नहीं बन रहा है। तो ये आपका जो पिक्चर है ये आपका दो कलर में आ रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों करना क्या होता है, ये जो आपका कलर का कैथोड ट्रांजिस्टर लगी है, देखिए एक ये लगी है, दूसरी आपकी देखिए एक ये लगी है, और तीसरी देखिए आपकी ये लगी है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये नीचे जो आईसी के सेक्शन से ये आपकी आरजीबी सप्लाई आती है। देखिए ये आरजीबी के वायर ये है आपकी, इसमें तीन वायर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें आरजीबी सप्लाई होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जीनर के थ्रू ये आपके पिन द्वारा सप्लाई आती है, लेकिन मैक्सिमम 1 से 2 वोल्ट होती है। तो इसमें देखिए जो आपकी सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या है कि देखिए ये आपकी जो ब्लू कैथोड की सप्लाई 180 वोल्ट दिख रही है मीटर पे, इसको हम करते क्या है, इसके ट्रांजिस्टर की सप्लाई की हम जांच करते हैं। ये देखिए हमने इसे कलेक्टर पे लगाया, और इसके कलेक्टर पे देखिए आ रही है आपकी 180 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। उसी प्रकार से दोस्तों इसके बेस और एमीटर पे, इसके बेस और एमीटर पे जो सप्लाई देखिए ये है आपका बेस, बेस पे इसके सप्लाई नहीं शो कर रहा है। उसी प्रकार से इसके एमीटर की देखिए, इसके एमीटर पे भी आपकी सप्लाई नहीं शो कर रही है। इसके जो बेस और एमीटर पे सप्लाई अपने इसी प्रकार से देखिए दूसरे ट्रांजिस्टर की देखते हैं, इस ट्रांजिस्टर की ये देखिए इसके हमने बेस पे लगाया, ये सप्लाई आपकी बन रही है, ये ग्रीन कैथोड की ट्रांजिस्टर है। इसके मीटर पर भी देखिए हम लगा कर देखते हैं, इस पर भी देखिए सप्लाई बन रही है। इसके कलेक्टर की भी दोस्तों हम सप्लाई करें चेक करेंगे, क्योंकि इसके बेस और मीटर पे अगर 2 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो कलेक्टर की सप्लाई ऑटोमेटिक 100 से 110 वोल्ट हो जाती है। अरे देखिए इस पर है या फिर सप्लाई है, लेकिन उसी प्रकार से देखिए ये आपका रेड कैथोड की भी सप्लाई इस ट्रांजिस्टर की भी सेम यही इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि रेड और ग्रीन की सप्लाई सेम है। अगर ब्लू की फॉल्ट है तो ब्लू की सप्लाई जो है बेस और एमीटर की जो बैठ रही है, देखिए फिर से हम इसके कलेक्टर चेक करते हैं ब्लू के। अरे देखिए ये आपकी 180 वोल्ट बन रही है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है, जो नीचे से आपकी ये बोर्ड से सप्लाई, जो ये आपकी सप्लाई जो आई है रेड ग्रीन ब्लू की, ये आपका ये जो ऊपर जम्पर द्वारा जैक पे लगी हुई है, इसमें देखिए ये डायोड के थ्रू आई है दोस्तों सप्लाई। इसमें होता क्या है, डायोड के थ्रू आपे का ये 1 से 2 वोल्ट सप्लाई देखिए हम चेक करते हैं। देखिए इस डायोड के थ्रू देखिए हम चेक करते हैं, देखिए ये आपकी सप्लाई है ब्लू की, ये है आपकी ब्लू की सप्लाई। ये देखिए डायोड पे जो हम आपको सप्लाई देख रहे हैं, ये देखिए डायोड के प्लस वाले पॉइंट पे ये आपका सप्लाई आ रहा है दोस्तों। और देखिए ये होता क्या है, ये ब्लू कैथोड की जो डायोड द्वारा ये सप्लाई बनी हुई है जीने लग के,
इसके थ्रू देखिए ये नीचे एक कार्बन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, देखिए ये इसके इस पिन पर भी देखिए सप्लाई आ रही है उसको, अरे ये आपकी आ रही 3 वोल्ट सप्लाई, और देखिए इसके दूसरे पिन पे ये सप्लाई देखिए, ये पिन पे देखिए सप्लाई नहीं आ रही है, ओके इसके इस पिन पे नहीं आ रही है। इसी प्रकार से देखिए हम आपको दिखाते हैं, अगर आप दूसरे ट्रांजिस्टर की भी सप्लाई चेक करेंगे वो भी आपका जीनर के थ्रू ही आया है, इसमें है क्या दोस्तों, देखिए ये जो कार्बन रेजिस्टेंस ये आपकी बनी हुई है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ये आपकी कट गई है, तो इस पर आप करते क्या दोस्तों, इस पर आप कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 1K का, 1K का रेजिस्टेंस लगा कर इस पर हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमने 1K का एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों हमने ये आपका जीनर के थ्रू जो ये जम्पर के ये रेजिस्टेंस आपका 1K का लगा था, इसके जगह हमने ये सीधा रेजिस्टेंस आपके बेस पर जोड़ दिया। और दोस्तों इसके बाद देखिए हम इसके कैथोड की सप्लाई ब्लू फिर से चेक कर लेते हैं, और ये देखिए ये आपकी सप्लाई क्लियर हो गई दोस्तों, किस प्रकार से देखिए ये आपका इसी प्रकार से देखिए ये दूसरी सप्लाई भी हम देख ले रहे हैं आपकी, देखिए ये भी सप्लाई आपकी सेम है, तीनों कैथोड की सप्लाई दोस्तों आपकी क्लियर हो गई। ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमने देखिए बेस की सप्लाई भी आपको दिखाते हैं दोस्तों, जो कि इस पर सप्लाई नहीं आ रही थी, और ये देखिए एफएच की सप्लाई दोस्तों बनने लगी, और देखिए हम आपकी एमीटर की भी सप्लाई आपको दिखाते हैं, देखिए एमीटर की भी सप्लाई आ गई दोस्तों। सीआरटी टीवी एलईडी टीवी या स्टीरियो से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। देखिए ये सेट को हमने ऑन किया हुआ है, और ये देखिए आपका ये कलर बनने लगा दोस्तों तीनों, और ये देखिए आपकी वीडियो क्लियर है दोस्तों। अच्छा, ओम शांति।